मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पर्सन है नो कॉन्टेक्ट में है, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या है। ओके, तो चलिए गाइज करते हैं रीडिंग को शुरू। सो यूनिवर्स, माई गाइड मैं गॉड माई एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर वो इस वक्त उनको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ओके, ऑलराइट, चलिए गाइज। सो गाइज, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उतने ही रखने हैं और बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है जी। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओह गॉड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी गॉट टू कार्ड्स गाइस, हम दोनों ही कार्ड्स ले लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओके, ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो निकल कर आ चुके हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देन टू है टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, हमारे पास यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। एरीज, लियो, सैज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आया है। हालांकि ये जो रीडिंग है सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एरीज, लियो, सैज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि पहले अगर वो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं थे और अपने आप को किसी मजबूरी के चलते, किसी परेशानी के चलते अगर उन्होंने खुद को रोक रखा था, स्टेप बैक किया हुआ था, तो अब जो है वो आपके और उनके रिलेशनशिप में कोई भी चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं और अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। खुद में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा वेट करना, मैं बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। चाहे अब हम दोनों के बीच में कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी रुकावटें आए, कोई भी परेशानियाँ आए, मैं सारी परेशानियों को अब जो है फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए अब तैयार हूँ। मैं पूरी जी जान लगा दूँगी या लगा दूँगा और मैं अब आने के लिए पूरी तरह से अपना माइंड बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ। ओके, विद टू ऑफ वॉन्ड्स गाइस, यहाँ पर आप में से कई लोग हैं जिनके जो पार्टनर हैं ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन आप हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं भी हैं, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड लोग से डील नहीं कर रहे हैं, आप सिंगल से भी डील कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है जो कि पोटेंशियल पार्टनर है। और इस कार्ड से मुझे यहाँ पर ऐसा भी फीलिंग मिलता है कि यहाँ पर इनके फैमिली से इनका रिश्ता और तो कहीं पर कर दिया गया है, जो कि इनकी लाइफ में अब इनको लगता है कि दो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं और ये जो है चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं करती हूँ या करता हूँ। गाइस देखिए, ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आपके जो भी पार्टनर है मेल फीमेल, प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जिस तरह से आपसे रेजोनेट करता है उस तरह से आप लीजिएगा रीडिंग को। सो यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक और पार्टनर है जो वो लाया गया है, अभी मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। तो
मेरे पास फ़िलहाल दो ऑप्शन हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और इस वक्त मेरे सामने जो है पूरे अंधेरे के बादल छाए हुए हैं और मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इनको गाइज यहाँ पर टाइम आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन और ये दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर चुन लें, इस तरह की परिस्थितियों में ये मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ वक्त दे दो, क्योंकि इस वक्त मैं इस हालात में नहीं हूँ कि मैं कोई एक जो है अपने लिए पार्टनर चुन सकूँ। विद टेन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, आपके बीच में शायद कुछ ऐसा हुआ है गाइज कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये पेन में हैं, दर्द में हैं। और आप में से मुझे ऐसा फील मिल रहा है गाइज कि शायद आप में से कई लोगों का जो रिलेशन है वो ब्रेक हो चुका है किसी वजह से। यहाँ पर बहुत मुझे यहाँ पर लव बिट्रेयल की भी फीलिंग मिल रही है। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने खुद ही आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। आपको दिखा रहे हैं कि इनकी तरफ से सब कुछ ठीक है और इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन ठीक नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, उस धोखे का दर्द इनसे ज़्यादा और किसी को नहीं हो रहा है। ये जानते हैं कि आप पेन में हैं, लेकिन आपसे 10 गुना ज़्यादा पेन में ये हैं। और इनको बहुत अफसोस है कि इन्होंने जो है आपसे ये रिश्ता तोड़ दिया है। गाइस, आप में से कई लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, हालांकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, लेकिन ये रिश्ता इन्होंने फाइनली तोड़ दिया है और अब ये जो है नहीं आएंगे, इस तरह के भी फीलिंग्स यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए गाइज, कोई भी शुगर कोटिंग करके रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो या फिर वो कलेक्टिव रीडिंग हो। ओके, कई लोग कमेंट बॉक्स में आकर उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं कि आपने ये गलत बताया और इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। तो गाइज़, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। यहाँ पर आप कैसा भी कमेंट्स करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रीडिंग में आया है वो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं हमेशा अपनी रीडिंग से पहले कहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग में बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, यहाँ पर जो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि ये रिलेशन जो है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था या चाहती थी, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत मजबूर था या मजबूर थी। इस रिश्ते के टूटने से, हमारे दूर होने से सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारे साथ झूठ बोलकर, तुम्हें अपने से दूर करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मैं ये रिलेशन को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और गाइज, बहुत पेन वाली फीलिंग है, अब हम नहीं मिलेंगे कभी, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहने वाली हो या रहने वाले हो। हमारे साथ में स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को मैं कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकती, लेकिन इस रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म होना पड़ेगा। यही मेरी कंडीशन है इस वक्त की, कि हम आगे साथ में नहीं जा सकते हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, जिन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा आप उनके कदम से कदम मिलाकर चले हैं। जब भी उनको ज़िंदगी में, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या मेंटल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है। इनके दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी का कोई भी सपोर्ट हो, तुमने कभी पीछे कदम नहीं हटाया है, तुमने हमेशा आगे बढ़कर मेरा हेल्प किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मेरी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आया है, मुझे हमेशा तुमने संभाला है। और मैं तुम्हें खोने के डर से भी मुझे डर लगता है, ये आपके पार्टनर यहाँ पर कहना चाहते हैं। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको एक बहुत ही मदरली वाइब्स में देखते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, आपने उनका बहुत ख्याल रखा है, उनको बहुत स्पेशल अटेंशन दिया है।
तो इस तरह के जो फीलिंग्स हैं, एक अनकंडीशनल लव के फीलिंग्स जो हैं, वो आपके पार्टनर फील करें, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको खो नहीं सकते हैं, और आपके खोने के एहसास से भी उनको डर लगता है। इन दूरियों की वजह यहाँ पर शायद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आप में से कई लोग जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, गाइस, इनकी फैमिली में, इनकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, लेकिन ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड, गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। गाइज, यहाँ पर आपकी जो पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हो ज़िंदगी में, अब वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रातों को इनकी नींद गायब है, आपके साथ रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, आपको अपना हमदम बनाना चाहते हैं, इस रिलेशन में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत 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 मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स देना चाहते हैं, इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की पेन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, और जो भी खूबसूरत पल इंटीमेसी वाले आपने इनके साथ स्पेंड किए हैं, ये उन सारे पलों को याद करते हैं, ये आपके साथ अपने बेबीज़ करना चाहते हैं, और आपको जो है ये अपने बेबीज़ के मम्मी या पापा के रूप में देखना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया कदम बढ़ाना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में सारे रंग भरना चाहते हैं, लेकिन अकेले नहीं, आपके साथ रंग भरना चाहते हैं ज़िंदगी में सारे, और आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी की ये कल्पना करते हैं। यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करना, और जल्द ही हम मिलने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, अब तक मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है उन सारी गलतियों को मुझे सुधारने का एक आखिरी मौका चाहिए। सो गाइज, यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।